तो हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप लोगों के। तो स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने और एक नई वीडियो पे और अपने चैनल पे। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है वो दो गाड़ियों का जो है आप लोग बोल सकते हैं, उसको कंपैरिजन भी आप उसको बोल सकते हैं। वैसे तो इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन नहीं है। तो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने आप लोग को स्विफ्ट मॉडिफिकेशन आप लोग को मैंने दिखाया था किस तरीके से स्विफ्ट VXI को मॉडिफाई करके किस तरीके से भैया ने बनाया था। तो आज जो है उसी गाड़ी का जो कंपैरिजन मैं अपने गाड़ी के साथ करने वाला हूँ और बिल्ड क्वालिटी भी हम उसकी चेक करेंगे कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है और लुक वाइज कैसी है। बाकी आप लोगों को पता है दोनों गाड़ियाँ देखने में कैसी लग रही है, वो आपके सामने है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके की दोनों के दोनों गाड़ियाँ लग रही है, इस टाइम पे खड़ी है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है और सेम लोकेशन है और सेम डे पे ये वीडियो शूट हो रही है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है तो घर जाने का टाइम है। हम यहाँ पे आए गाड़ी का वीडियो शूट करने के लिए और आज ही हमारे को निकलना है। तो जितनी वीडियो आप लोगों ने देखी वो सेम डे पे ही शूट हुई है। तो वीडियो शूट होने से पहले आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को मतलब वीडियो पे जाके कमेंट भी कर देना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले आप लोग एक्सटीरियर से देखिए आप लोग दोनों गाड़ियों का लुक किस तरीके का लग रहा है। तो कंपैरिजन तो वैसे इन दो गाड़ियों का बनता है, क्योंकि जो VXI है उसका जो कंपैरिजन होता है वो होता है अल्ट्रोज़ के XM से, क्योंकि दोनों का जो प्राइस है वो सेम उस पर आती है। तो ये जो है मेरे पास XT लक्स है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग को पता है ओवर है, इससे ज़्यादा ओवर है। बाकी ये मॉडिफाई है तो ये मॉडिफाई नहीं है, इसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशन ही किए हुए मैंने, जो आप लोगों ने मेरे पिछली वीडियोज़ में देखा होगा। तो इसका मॉडिफिकेशन का वीडियो आप लोगों ने अभी पिछले वीडियो में ही देखा होगा कि किस तरीके की ये गाड़ी मॉडिफाई भैया ने की है और आप लोग के सामने अभी भी है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले लुक देखिए आप दोनों का। अपना अपना जो होता है सबका ओपिनियन अलग होता है और अपना अपना थॉट होता है इस चीज़ में। लुक के लिए दोनों गाड़ियों का अपना अपना होता है कि किसी को पसंद आता है, किसी को ये पसंद होगी, किसी को इसका लुक पसंद होगा। तो ये आप लोग अपना खुद ही देख लेना कि कौन सी गाड़ी आप लोग को ज़्यादा पसंद है। तो मैं बताऊं आप लोग को कि दोनों गाड़ियां इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सिंपल होती तो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगती इसके सामने, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। आप लोग देख सकते हैं ये 5-स्टार रेटेड है, आप लोग को पता है, और इसका क्रैश टेस्ट ये 2-स्टार रेटेड है। बाकी ये मॉडिफाई की हुई है भैया ने, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है ये गाड़ी भी। बाकी ये इतना ज़्यादा मॉडिफाई नहीं है, तो आप लोग मॉडिफिकेशन में देख सकते हैं, जो मैंने करवाया था यही मैंने मॉडिफिकेशन करवाए हुए। टायरों पर रेडियम लगवाए हुए हैं मैंने और ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगवाया हुआ है। तो आगे से आप लोग लुक देख रहे हैं आप लोग किस तरीके की ये दोनों गाड़ियां लग रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में बताना कि किस तरीके का लुक इस गाड़ी का लग रहा है। तो चलिए एक बार अब मैं आप लोग को बैक से दिखाता हूं इन दोनों गाड़ियों का लुक किस तरीके का लग रहा है। तो बैक में कुछ ऐसी लगती है दोनों गाड़ियाँ, और बैक में आप लोग को मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो बैक में ये गाड़ी अभी फ्रेश है, आप लोग को पता है, क्योंकि ये गाड़ी का जो बैक लुक है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जब इसमें लाइटिंग होती है, जब जो ब्रेक लाइट वगैरह दबाते हैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है गाड़ी। ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाई हुई है भैया ने, अगर ये सिंपल होती तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता है आप लोग को वाइट कलर में पूरी गाड़ी आती है। तो भैया ने डुअल टोन कराया हुआ है गाड़ी को, और हमारी गाड़ी तो डुअल टोन है ही, आप लोग देख सकते हैं। बाकी पर्सनल ओपिनियन होता है सबका कि भाई किसी को लुक पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। मुझे इस गाड़ी का लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इस गाड़ी का मॉडिफाई कराने के बाद कुछ ऐसी लगती है और काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। बाकी ये गाड़ी मस्कुलर है, आप लोग को पता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक है इस गाड़ी का, तो बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को मैं आगे का जो लुक है वो दिखाता हूँ। तो देखिए आप एक बार इसी गाड़ी को देखिए आप, कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो लुक का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप लोग को पसंद हो या ना हो, और इसको देखिए आप। तो कंपैरिजन में अब इंजन के बारे में आप लोग को बता दूं, तो इसका जो इंजन है वो 1.2 लीटर रेवोट्रॉन का आता है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है, 86 PS की पावर निकालता है और 113 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। वहीं जो स्विफ्ट का जो इंजन है वो भी 1.2 लीटर का है, पर जो इसमें जो पावर मिलता है ये K सीरीज़ वाला इसमें इंजन लगा हुआ है, जो कि आप लोग को 83 PS की पावर देता है और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क के मामले में आप लोग को बता दूँ दोनों गाड़ियाँ सेफ है। और बाकी पावर BHP के बारे में बात करूं तो ये थोड़ा आगे आ जाती है इससे, इसके मुकाबले। बाकी रिफाइनमेंट के बारे में आप लोगों को मैं बात करूं, इसका जो रिफाइनमेंट है, स्विफ्ट का इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है इसके मुकाबले, क्योंकि ये 3-सिलेंडर इंजन है, इसमें आप लोग को 3-सिलेंडर मिलता है और इसमें 4-सिलेंडर मिलता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट इसके अंदर, और इसमें इंसुलेशन भी दिया हुआ है 4-सिलेंडर होने के बावजूद भी अंदर जो है नॉइस बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर आप AC चलाओगे तो छोटे मोटे से साउंड आप लोग को सुनाई देंगे, बाकी
टायरों के साउंड तो आप लोग को आएंगे जब हाईवे पे चलती है गाड़ी। बाकी इसके बारे में आप लोग को बताइए कि फर्स्ट और सेकंड गियर में जो जब इसका आरपीएम चढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी आवाज़ करने लगती है। तो एनवीएच लेवल के मामले में स्विफ्ट आगे निकल जाती है इसके मुकाबले। और अब आप लोग को मैं बता दूं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट आप लोग को पता ही है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्ड क्वालिटी में इसका जो शीट मेटल है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है, आप लोग को पता ही है। इसका जो कर्व वेट है वो 800 से 850 केजी के आसपास है। और इसका जो है आप लोग को पता ही है, बताने की मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इस वजह से इसको 5 स्टार मिले हुए है। और इसको जो है ग्लोबल एनकैप में जब इसका क्रैश टेस्ट किया था तो 2 स्टार इस गाड़ी को मिले थे। बाकी बिल्ड क्वालिटी का बात भी हो चुका है, अब बात रहती है आप लोग को कौन सी गाड़ी इन दोनों में से लेनी चाहिए। तो मैं बता दूं, सबका अपना अपना बजट के हिसाब से होता है। किसी का बजट होता है ज़्यादा तो वो गाड़ी ले सकता है, किसी को लुक चाहिए, किसी को एवरेज चाहिए, किसी को सेफ्टी से मतलब होता है। सबका अपना अपना प्रीफ्रेंस होता है इस चीज़ में, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप लोग को सेफ्टी ज़्यादा चाहिए तो आप लोग इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को रिफाइनमेंट चाहिए और आप लोगों को अगर माइलेज चाहिए तो आप लोग इस गाड़ी को प्रीफर कर सकते हैं। तो ये गाड़ी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, VXI मॉडल है और ये अल्ट्रोज का XT लक्स वेरिएंट है। ये तो आप लोग को पता है मैंने क्यों लिया था, आप लोग को पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होने के हिसाब से मैंने ये गाड़ी परचेस करने की सोची थी कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, अपनी फैमिली को कभी ना कभी ये सुरक्षित घर पहुँचाएगी अगर बाई चांस कुछ हो जाता है। बाकी इसका बीस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप लोग को पता ही है, 2 स्टार मिले हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके साथ कुछ हो जाता है तो ये किस तरीके का। बाकी सेफ्टी के बारे में जो स्टैंडर्ड है वो आप लोग को पता है, आजकल तो स्टैंडर्ड में सब कुछ मिलता है, डुअल एयर बैग, ABS, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्री टेंशनर करके सब कुछ इसमें आप लोग को दिया गया है। पर बिल्ड क्वालिटी नाम की एक चीज़ होती है जो इस गाड़ी में नहीं है, क्योंकि ये हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है आप लोग को पता है ये, बाकी आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये अल्फा आर्किटेक्चर पे बनी हुई है जिसको 5 स्टार मिले हुए है, तो इस मामले में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बाकी ये भी डुअल टोन है और ये भी भैया ने डुअल टोन कराई हुई है। तो ये आप लोग को मैंने बता दिया, अगर बजट ज़्यादा है तो आप लोग सेफ गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सेफ्टी है वो टाटा और महिंद्रा के पास ही है, जिसने ग्लोबल एनकैप में 5 से 4 स्टार जो है रेटिंग लाई हुई है। बाकी आप लोग इसके ऊपर भी जा सकते हैं और इसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो दोबारा से बोल रहा हूँ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मस्त मस्त वीडियो यहाँ पे आते रहती है और ऐसे ही और मस्त वीडियो आगे भी आएगी। और कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करोगे तभी जो है आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी तगड़ी तगड़ी मस्त मस्त वीडियो आप लोग के लिए आएगी। तो यही था बस आज की वीडियो में, ऐसी मस्त वीडियो आप लोग के लिए आगे लेके आऊँगा। टिल दैट टाइम दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।